इन दिनों जो नाम बोल्डनेस और हॉटनेस को लेकर सबसे ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है वो है उर्फी जावेद। आए दिन ये मोहतरमा अपनी अनोखी ड्रेसिंग सेंस के लिए यूजर्स के निशाने पर रहती हैं। हालांकि उर्फी कई बार कह चुकी हैं कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उर्फी कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। अनुपमा के लिए भी उर्फी को कास्ट किया गया था, लेकिन उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने एक्ट्रेस को शो से बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं लगाई। जी हाँ, हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुद उर्फी ने इस बात का खुलासा किया है। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने अपने रिलेशनशिप और ब्रेकअप को लेकर कई राज खोले। कुछ समय पहले उर्फी अनुपमा फेम एक्टर पारस कलनावत को डेट कर रही थी। अब उर्फी ने उस रिलेशनशिप को बचपन की गई गलती बताया है। उर्फी कहती है कि मैं उसे रिलेशनशिप को नहीं मानती, वो बचपन में की गई गलती थी। मैं तो रिलेशनशिप में आने के एक महीने बाद ही ब्रेकअप करना चाहती थी, वो बच्चा था, काफी ज्यादा पॉजिटिव था। उसने मेरे नाम के 3 टैटू बनाए, ऐसा कर वो मुझे बार बार रिझाने की कोशिश करता था, लेकिन ऐसा कौन करता है जब आपका रिश्ता टूट चुका हो। उर्फी आगे कहती है कि मैं उसके पास बस इसलिए वापस नहीं जाना चाहती कि उसने मेरे नाम के टैटू कराए हैं। अगर वो अपने पूरे शरीर पर भी मेरे नाम के टैटू बनवा लेता तब भी मैं उसके पास वापस नहीं जाती। ब्रेकअप के बाद वो मुझे बार बार फोन करता था, मैं अटेंशन एंजॉय करती थी, लेकिन मैंने उसे साफ बता दिया था कि हम एक नहीं हो सकते। फिर कुछ वक्त बाद वो दूसरे रिलेशनशिप में चला गया। उर्फी ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो अनुपमा सीरियल का हिस्सा बनने वाली थी, लेकिन पारस की वजह से उनके हाथ से ये शो निकल गया। उर्फी ने बताया कि हम अनुपमा में साथ काम करने वाले थे। उसने टीम से कहा कि मुझे कास्ट न करें। उसकी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती थी कि हम साथ काम करें, जो काफी बचकानी बात है। बता दें कि साल 2016 में उर्फी ने टीवी की दुनिया में एंट्री ली, लेकिन उर्फी का मानना है कि उन्हें पहचान उनके कपड़ों से मिली है। वो आए दिन हॉट एंड सेक्सी ड्रेसेस पहनकर स्पॉट होती रहती हैं। वो इस इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों से एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी तभी मिलनी शुरू हुई जब उन्होंने हॉटनेस अवतार लिया। आज उर्फी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। लाखों लोग उन्हें इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं। उन्हें बिग बॉस OTT में ग्लैमर बम कहा जाने लगा। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा हमें बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।